हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अड्डा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में बताया था जो कि अंडर 40,000 के अंदर आते थे। तो आज मैं आपको टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगी जो कि अंडर 70,000। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपको गेमिंग से रिलेटेड कोई लैपटॉप खरीदना है तो मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि मैंने सब हर 5 लैपटॉप के आपको सेपरेट फीचर्स बताए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गेमिंग लैपटॉप और नॉर्मल लैपटॉप में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल लैपटॉप का चार्जर 60 वॉट का होता है, जबकि गेमिंग लैपटॉप का चार्जर 120 वॉट का होता है, जिससे वो और भी जल्दी चार्ज हो जाता है। नॉर्मल लैपटॉप में केवल एक फैन होता है कूलिंग के लिए, जबकि गेमिंग लैपटॉप में 2 फैन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको प्रोसेसर, हर लैपटॉप के कुछ फीचर्स जैसे प्रोसेसर, स्क्रीन साइज, उसकी रैम कैपेसिटी कितनी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, प्लस हर का सेपरेट प्राइस और ग्राफिक कार्ड। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नॉर्मल लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड कंपलसरी नहीं था, हो भी सकता था नहीं भी, लेकिन गेमिंग लैपटॉप में आपका ग्राफिक कार्ड कंपलसरी है, ये हर में होगा ही होगा अगर वो गेमिंग लैपटॉप। और अदर फीचर्स के बारे में बताऊँगी, जैसे कि इसकी क्लॉक स्पीड क्या है, इसका कीबोर्ड टाइप क्या है, तो इस बेस पर मैं हर लैपटॉप को कैटेगराइज करूँगी। नंबर 5, MSI गेम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। इसका प्रोसेसर इंटेल 9 जनरेशन 9300H है। अब इसकी हम रैम कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 8GB रैम है इसकी कैपेसिटी की, जो कि 32GB तक भी अपग्रेडेबल है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 512GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और इसका हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इस पे हर में आपको गेमिंग लैपटॉप में हार्ड डिस्क SSD टाइप ही मिलेगा। यहाँ इसके स्क्रीन साइज की हम बात करें तो इसमें 15.6 इंच का स्क्रीन साइज है। इसका स्क्रीन साइज जो गेमिंग लैपटॉप का होता है वो नॉर्मल लैपटॉप से बड़े ही होते हैं। अब ग्राफिक कार्ड की हम बात करें तो इसमें 4GB का होता है। इसकी क्लॉक स्पीड यानी कि प्रोसेसर स्पीड की अगर हम बात करें तो वो 2.4 GHz है, लेकिन जब भी कभी ऐप कोई होता है, सॉफ्टवेयर या ऐप जिसको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है रन के लिए, तो इसकी स्पीड 4.1 GHz तक भी जा सकती है। इसका बैटरी बैकअप 7 hours है, यानी कि अगर आपका लैपटॉप फुली चार्ज है तो विदाउट चार्जर 7 hours चल सकता है। अब बात करें इसके नेटवर्क की तो इसमें Wi-Fi 2x2 V6 यानी कि Wi-Fi V6 वर्जन 6 यूज होता है और Bluetooth का वर्जन 5 यूज होता है। अब इसके USB पोर्ट की बात करें तो इसमें USB 3.5 Type-C का एक पोर्ट है, USB 3.1 Type-A का एक पोर्ट है, प्लस HDMI पोर्ट भी है इसमें। बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर, यानी अलग से माइक्रोफोन स्पीकर खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है। और इसका एक और फीचर्स की हम मेन बात करते हैं, कीबोर्ड का फीचर्स। इसमें रेड बैकलिट का कीबोर्ड होता है और इसका वेबकैम SD टाइप है। इसका वेट 1.86 किलोग्राम होता है, यानी इजी टू कैरी है ये। और इसका प्राइस भी 54,990 है, जो कि बिल्कुल आपके बजट में है। नंबर 4, HP Pavilion। इसमें सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसका प्रोसेसर Ryzen 5 क्वाड कोर है। इसकी रैम कैपेसिटी की बात करें तो इसमें भी 8GB रैम कैपेसिटी होती है, जो कि केवल 16GB तक अपग्रेडेबल है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 256GB है और इसका हार्ड डिस्क SSD टाइप है, प्लस
1 टेराबाइट भी होती है और उसका HDD टाइप होता है हार्ड डिस्क। स्क्रीन साइज की हम बात करें 15.6 इंच। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट ग्राफिक कार्ड पर, तो इसका NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। इसकी क्लॉक स्पीड यानी इसकी प्रोसेसर स्पीड 2.2 GHz है, लेकिन इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.7 GHz जा सकती है अगर किसी ऐप या सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जरूरत पड़े। इसका बैटरी बैकअप अगर फुली चार्ज है तो 8 आवर्स तक विदाउट चार्जर काम कर सकता है। इसके नेटवर्क की बात करें तो इसमें नेटवर्क वाईफाई का 5 वर्जन और ब्लूटूथ का भी 5 वर्जन है। इसके USB पोर्ट की बात करें तो इसमें USB 2.0 का एक पोर्ट, USB 3.1 का एक पोर्ट, USB 3.1 Type-C का एक पोर्ट है और इसमें एक HDMI पोर्ट भी होता है। इसमें माइक्रोफोन स्पीकर ऑलरेडी है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसके कीबोर्ड फीचर्स की बात करें तो इसका बैकलिट कीबोर्ड होता है जो कि अल्ट्रा वायलेट कलर का है। प्लस इसमें इसका जो वेट है वो 2.19 kg है और इसका प्राइस भी आपके बजट में है 61,900। इसमें NVIDIA ग्राफिक कार्ड होता है। अब क्लॉक स्पीड यानी प्रोसेसर स्पीड ऐप को अग्रण करने के लिए हमें और हाई स्पीड की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसकी क्लॉक स्पीड 4.5 GHz जा सकती है। क्लॉक स्पीड मतलब प्रोसेसर स्पीड है। इसका बैटरी बैकअप 7 आवर्स है, अगर फुली चार्ज है तो 7 आवर्स तक विदाउट चार्जर आपका काम कर सकता है। इसके USB पोर्ट की बात करें तो इसमें USB 2.0 का एक पोर्ट, USB 3.2 का एक दो पोर्ट, USB 3.1 का एक पोर्ट है और साथ में एक पोर्ट HDMI पोर्ट भी है। इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर यानी उसी के अंदर ही होते हैं, लैपटॉप को आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसका फीचर्स की बात करते हैं कीबोर्ड के, तो इसमें RGB बैकलिट कीबोर्ड होता है। प्लस इसमें वेबकैम 720 पिक्सल HD टाइप है। इसका वेट 2.3 kg है और इसका प्राइस भी आपके बिल्कुल बजट में यानी कि 60,990। लैपटॉप नंबर की हम बात करें तो ये Lenovo Legion Y540 है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, ये 9th जनरेशन इंटेल कोर i5 है। इसकी रैम की बात करें तो ये 8 GB है। स्टोरेज कैपेसिटी इनकी 1 TB यानी कि 1 TB होती है और इसका हार्ड डिस्क HDD टाइप है। प्लस इसमें 256 GB की भी रैम स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसका हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इसकी स्क्रीन साइज 15.6 इंच है। अब इसकी क्लॉक स्पीड की बात करते हैं,
वैसे तो इसकी क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन जब भी किसी ऐप सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज तक भी चली जाती है। क्लॉक स्पीड मतलब मैं यहाँ प्रोसेसर स्पीड की बात कर रही हूँ। इसका बैटरी बैकअप 7 आवर्स यानी फुली चार्ज आपको 7 आवर्स तक बैटरी बैकअप दे सकता है। इसमें नेटवर्क वायरलेस वर्जन 6 और ब्लूटूथ का वर्जन 1.1 का यूज होता है। USB पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें USB 3.1 के 3 पोर्ट यूज होते हैं, प्लस USB 3 टाइप सी के 1 पोर्ट है और साथ में एक HDMI पोर्ट भी है। इसके माइक्रोफोन और स्पीकर लैपटॉप में ही होते हैं तो आपको अलग से परचेज की जरूरत नहीं है। अब इसके कीबोर्ड के फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें रेड बैकलिट कलर का कीबोर्ड है और इसका जो वेबकैम है वो HD टाइप है। इसका वेट 2.3 kg है और इसका प्राइस 60,990 है। लैपटॉप नंबर 1 ये है एसर निट्रो 5। तो इसमें भी इसका प्रोसेसर की बात करेंगे हम। इसका प्रोसेसर इंटेल कोर i5 है। इसकी रैम कैपेसिटी 8GB है। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की भी बात करते हैं तो इसमें 1TB मतलब टेराबाइट 1TB प्लस इसकी हार्ड डिस्क SSD टाइप है और इसके साथ इसमें 256GB की स्टोरेज कैपेसिटी है जिसकी हार्ड डिस्क SSD टाइप है। इसका स्क्रीन साइज 15.6 इंच है। इसका ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें NVIDIA ग्राफिक कार्ड है जो कि 8GB का। अच्छा, अब चलते हैं इसकी प्रोसेसर स्पीड यानी कि क्लॉक स्पीड जो कि 2.5 GHz है, लेकिन जब भी हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है तो उसकी प्रोसेसर की स्पीड 4.5 GHz तक भी जा सकती है। इसका बैटरी बैकअप अभी तक के लैपटॉप में सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो 10 आवर्स होता है, यानी कि जब आप इसको फुल चार्ज करोगे तो 10 आवर्स बिना बैटरी बैकअप के आप यूज़ कर सकते हो बिना चार्जर के। अब इसका नेटवर्क की हम बात करें तो ये वाईफाई वर्जन 6 और ब्लूटूथ का वर्जन 5 लेता है। अब इसके USB पोर्ट की तरफ चलते हैं तो इसमें USB 3.2 का 2 पोर्ट, USB 3.2 टाइप सी के 1 पोर्ट और USB 3.2 का 1 पोर्ट है और साथ में 1 पोर्ट HDMI भी है। इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर होते हैं, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके कीबोर्ड की हम बात कर लेते हैं तो इसमें फाइन टिप RGB कीबोर्ड है और इसका वेबकैम 720 पिक्सल है जो कि HD टाइप है। इसका वेट 2.3 kg है और इसका प्राइस 61,990 है। तो ये सारे के सारे ही लैपटॉप आपने इधर देखे, सभी के सभी मैंने 5 लैपटॉप अंडर 70,000 बताए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपकी वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो बने रहिए मेरी चैनल के साथ और देखते रहिए मेरी इसी तरह वीडियो को। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।